नमस्कार दोस्तों, आज नायक्स चटपटा में बहुत ही एक आसान रेसिपी मैंने अपलोड किया है, जो है लौकी से बर्फ़ी। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है, तो देखते हैं। मैंने एक लौकी लिया है, थोड़ा सा इलायची शक्कर के साथ कूट के लिया है, 2 चम्मच देसी घी लिया है, और 1 कटोरी में मैंने गुड़ को तोड़ के लिया है। अभी लौकी को हम ग्रेट करने के बाद देखते हैं, अगर 1 कटोरी में लौकी ग्रेट करके रेडी है तो उसी हिसाब से उतना ही क्वांटिटी हम गुड़ मिलाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने लौकी को अच्छे से धो लिया है और उसके ऐसे छिलके निकाल के अलग कर लिए हैं। अभी हम लौकी को ग्रेट कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में पहले घी को गरम कर लिया है, उसी में मैंने लौकी को डाला है। अभी 2 मिनट घी के साथ इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। लौकी को घी के साथ 2 मिनट फ्राई करने के बाद अभी गुड़ को भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लौकी मेरा 1 कटोरी भर के था, तो इसीलिए मैंने गुड़ को भी 1 कटोरी डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे और अच्छा बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। गुड़ को डाल के चलाने के बाद 5 मिनट हुए हैं, तो गुड़ सारा अच्छे से मिल गया है। अभी ऐसे पानी छूटाए, देखिए। अभी ये पानी सूखने के लिए 15 से 20 मिनट तो मिनिमम लगेंगे, तो ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते रहेंगे। इसको चलाते चलाते अभी 20 मिनट हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट बन चुका है। इस स्टेज पे हम इलायची पाउडर डाल के मिक्स करते हैं। अभी इसको चलाते चलाते आधा घंटा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं सब कुछ मिलके ऐसे एक गोला जैसा बनता है। तो इस कंसिस्टेंसी आने के बाद हम लोग गैस को बंद कर लेते हैं। अभी एक प्लेट में थोड़ा घी स्मीयर करके हम इस कंटेंट को उसमें शिफ्ट कर लेते हैं। प्लेट में ट्रांसफ़र करके हम लोग इसे ऐसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अगर आप नया नया स्वीट बना रहे हैं या आपका कंसिस्टेंसी ठीक नहीं आया, तो एक टिप है, आप थोड़ा सा फ्राइड ग्राम पाउडर करके रख लीजिए। अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपको लगे थोड़ा सॉफ्ट बना है, तो ऊपर से आप थोड़ा ये पाउडर छिड़क के इसको लेवल करके फ्रीज़र में डाल के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका बर्फ़ी जो है एकदम परफेक्ट निकलेगा। इस मिक्सचर को स्प्रेड करके 15 मिनट के लिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अभी इसको मनचाहा शेप में काट सकते हैं। ये काटते वक्त थोड़ा मुश्किल होता है, बट खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर बना के देखिए और अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। लौकी की बर्फ़ी सर्व करने के लिए रेडी है। ऐसे ही आप 15-20 दिन के लिए इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अगर ये मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही बहुत सारे आसान रेसिपीज़ लेके मैं अपने अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। बाय।